I asked. What do you mean? Probability use of capital letters. That means हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में बहुत सारी जगह आपको कैपिटल लेटर यूज करना होता है तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे ना उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो वैसे आप लोग जानते हो कि इंग्लिश लेटर में मतलब 26 अल्फाबेट्स होते हैं आई होप. और जबकि इसमें 5 वॉवेल होता है मतलब की 21 कॉन्सोनेंट होता है. उस तरह से हिंदी में आपको टोटल 52 वर्ड्स होते हैं लेटर होते हैं और आपको इसमें 16 स्वर होता है और 36 व्यंजन होते हैं. हिंदी में 16 स्वर होता है 16 और 36 व्यंजन होते हैं. तो वैसे आप जब देखते हो मतलब कि इंग्लिश में तो 5 ही वॉवेल माना जाता है तो मतलब कि लेकिन आपको हिंदी में 16 वॉवेल मिलते हैं ना. हिंदी के अक्षर में आपको 16 स्वर मिल जाएंगे. तो हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं कैपिटल लेटर लिखने की थी ना. ये कैपिटल लेटर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहला रूल पढ़ते हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है हमेशा कैपिटल लेटर रखा जाता है. रूल फर्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है. मतलब किसी भी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो मतलब कि कैपिटल होगा. जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं ही इज अ गुड बॉय. ही इज अ गुड बॉय. यहां देखो ही यानी कि जो सेंटेंस हो रहा है ही इज अ गुड बॉय तो पहला वर्ड क्या है ही. तो ही को ही में जो एच है उसे हम लोग कैपिटल में रखे हुए हैं. क्यों कैपिटल में रखे हुए क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर है. चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं रूल टू कि आपको मतलब कि व्यक्ति का नाम शहर का नाम देश का नाम नदी का नाम समुद्र का नाम दिन का नाम माह का नाम ग्रंथ का नाम भवन का नाम जाति त्योहार तथा भाषा के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है. लिखा आपको कि किसी व्यक्ति देश राज्य समुद्र नदी नदी मां ग्रंथ मां दिन मां दिन ग्रंथ ग्रंथ भवन जाति त्योहार भवन जाति जाति और
त्योहार और भाषा के नाम की पहले भाषा के नाम का पहला अक्षर क्या होता है जी? कैपिटल होता है। यहां देखो आप लोग कि जो शहर, देश, समुद्र, मां, क्रांति सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा किसमें लिखा जाता है? प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? पहला कैपिटल होता है। जैसे मैं बोलू राम, इसका लिखते हो आप लोग दिल्ली, राज इंडिया, राजस्थान, राजस्थान, नेक्स्ट इसके बाद आपको इंडियन, इंडियंस द हिमालयाज, हिमालयाज, द गंगा, बरवाना, बरवाना क्या है? ग्रंथ है। संडे, दिसंबर, महीने का नाम है। नेक्स्ट द राजपूत्स, राजपूत्स यानी क्या कह रहे हैं? जाति बता रहा है। दिवाली, त्योहार बता रहा है। इंग्लिश क्या बता रहा है? भाषा को बता रहा है। इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल में होता है। सर आप अक्षर लेते हो ओह गॉड, माय गॉड, यानी कि जो गॉड होता है ईश्वर, या फिर नाउन या प्रोनाउन जो कि मतलब कि आपको गॉड, माय लॉर्ड, ऑल माइटी, गॉड इज ओमनीपोटेंट, मतलब कि सब क्या होता है? जो पहला अक्षर होता है इसमें वो आप कैपिटल में आता है, देख सकते हो आप लोग। रोल थर्ड, गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है? ईश्वर। गॉड ईश्वर या उसके प्रयुक्त समस्त नाउन, मतलब कि इसके लिए जो नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं गॉड के लिए ना, या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउंस या प्रोनाउंस, गॉड के नाउन में प्रोनाउन होता है जैसे माय गॉड, इसमें क्या होगा कि जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सिंपल से आप माई गॉड लिखते बोलते हो क्या होता है? माई, एम कैपिटल होता है, वाई स्मॉल होता है, माई गॉड, गॉड में जी कैपिटल होता है। यहाँ प्रोनाउन जो आया है, प्रोनाउन में भी पहला जो मतलब कि अक्षर है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल में है। नेक्स्ट हम लेते हैं आपको द लॉर्ड,
लॉर्ड नो, एल जो आएगा आपको कैपिटल में आएगा, लेकिन जो उसके पहले आर्टिकल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वह भी टी जो है वह कैपिटल में है, यानी कि अगर गॉड से रिलेटेड कुछ आएगा लेटर और नाउन जो है या फिर प्रोनाउन हो तो वह कैपिटल में होगा, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और निकालना आपको गॉड और माइटी, गॉड इज ओमनीपोटेंट, इस तरह से इसके लिए आया गॉड भी आया है तो ये कैप्टन हो जाएगा। ओमनीपोटेंट में वो क्या होगा, कैप्टन होगा, क्योंकि गॉड के लिए आया है, कोई चीज गॉड के लिए आता तो कैप्टन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर फोर कि पोस्ट का नाम, पद का नाम जो आता है, जैसे कि एमए हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया है ना, सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर, तो ये सब का जो पहला अक्षर होता है वह कैप्टन में होता है ना, पद का नाम, पद का नाम या फिर डिग्री पर डिग्रियों के नाम, डिग्रियों का पहला अक्षर कैप्टन होता है। होता है किसमें होता है, कैप्टन में होता है, आप लोग लिखते हो डीएम, डीएम कैप्टन में दोनों हो जाते हैं, ठीक है, क्या होता है ये एब्रिविएशन होता है, तो एब्रिविएशन कौन निकलते हैं दोनों कैप्टन में लेते हैं, वैसे आपको बी ए एम ए सब आपको क्या आ जाएंगे कैप्टन में हो जाएंगे ना। नेक्स्ट आपको दो लेटर आता है आई और ओ, आई क्या होता है प्रोनाउन होता है और ओ जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। अगर ये दोनों अगर अकेले आता है सेंटेंस में आई और ओ तो इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे आपको लिखवा दे रहा हूं नंबर फाइव, प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ, इंटरजेक्शन ओ जब वाक्य में अकेले आता है, यानी जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में अकेले आए तो इसे कैपिटल लेटर में रखा जाता है, तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं।
जैसे कि आप लोग बोलते हो He is taller than I. वह मुझसे लंबा है. He is taller than I. I क्या लगा इसमें यहाँ पे कैपिटल मूव होता है ना. आई एक किसमें जाएगा कैपिटल मूव जाएगा. अब दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. बोलते हो ओ माय गॉड. यहाँ पे देखो आप दसा कि ओ माय गॉड ओ केस में होगा कैपिटल मूव होगा. ए मस्ट कौन होगा यहाँ पे जो कि बीच में है ना यार. तो जी कैपिटल होगा यानी कि ओ कैपिटल होगा. ओ अलग आएगा सेंटेंस से तो हम लोग कैपिटल में रखेंगे. नेक्स्ट जब आप इंग्लिश की पोयम का जो आप लोग फर्स्ट लाइन देखोगे प्रत्येक लाइन में तो पहला अक्षर देखोगे मतलब कि पोयम है इंग्लिश का. प्रत्येक लाइन को आप देखोगे तो जो पहला वर्ड का पहला अक्षर जो होगा पहला लेटर जो होगा वह कैपिटल में होता है. इंग्लिश पोयम प्रत्येक लाइन पहला अक्षर की पहला लेटर कैपिटल लेटर्स ये होता है. एग्जाम्पल में देखना चाहता हूं यहां पे इसी की आपको पोयम 20 डेज हैज सितंबर ठीक है. पोयम 20 डेज सितंबर 20 days has September, April, June and November. पोयम बनाया गया है. तो आप देखो कि जो पहला लेटर है इसका कैपिटल में इसका ये पहला लेटर कैपिटल में यानी कि पोयम में जो प्रत्येक लाइन होती है उसका पहला लेटर किसमें होता है कैपिटल में होता है ना. चलिए आप इंपॉर्टेंट कॉमा वगैरह जानते हो. आई होप जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनका जो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको वर्ड्स आएंगे उनके पहला लेटर क्या होगा कैपिटल में होगा. नेक्स्ट तो हम लिख लेते हैं रूल नंबर 7 कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा एंड ऐसा था इन्वर्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल में होता है. ये वाक्य का पहला अक्षर
कैपिटल में होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि ही शेड शी विल गो टू मार्केट। यहां देखो आप लोग कि आपको पहला सी आया है वो किसे आया है कैपिटल में, ये जो एस है वो कैपिटल में है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा अंदर का जो सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनिशियल मतलब कि एब्रिविएशन होता है, इसलिए मैं बोला कि आपको हम शॉर्ट फॉर्म जैसे आप बोलते हो ना, तो वो सब क्या होते हैं कि उन सबको कैपिटल लेटर से रखा जाता है। ले सकते हैं रूल नंबर 8 इनिशियल्स। इनिशियल्स और एब्रिविएशन के लिए प्रयुक्त अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। एग्जाम्पल बोलो श्री मोहनदास करमचंद गांधी, इसे निकाल लो श्री मोहन यानी कि एम के दास करमचंद गांधी, सॉरी गांधी हाँ मोहनदास करमचंद गांधी, इसे की एस बी ओ यस एब्रिविएशन है सर ओ एस बी ओ। सर क्या है आपको कैपिटल लेटर में लिखेगा, देख लो यस यहाँ क्या है कैपिटल लेटर में, ये क्या है आपको कैपिटल लेटर में, जी क्या है आपको ये भी यहाँ पे कैपिटल लेटर क्योंकि वो एब्रिविएशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 9 कि आपको किसी राजनीतिक पार्टी का नाम, संस्थान का नाम, किताब का नाम, टाइटल, हेडिंग का जो पहला अक्षर होता है, या फिर इतिहास की मुख्य घटनाएं है, या फिर समाचार पत्रों के नाम, उपाधियों के नाम, सब क्या होते हैं कि जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल में होता है। लिखो उपाधियों नाम राजनीतिक दलों का नाम समाचार पत्रों के नाम मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम ऐतिहासिक घटनाओं के नाम सार्वजनिक संस्थानों के नाम
संस्थानों के नाम किताबों के नाम टाइटल या टाइटल या हेडिंग के नाम का कलाक्षर हेडिंग हेडिंग के नाम का कलाक्षर कैपिटल लेटर में होता है एग्जाम्पल लेना चाहता हूं आपको देना तो बता रहा ऐसी की उपाधियों का नाम क्या लिखते आप लोग उपाधियों का नाम पद्म भूषण द हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदू ये सब कब होता है ये भी समाचार पत्र है। नेक्स्ट आप आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर The Battle of Panipat. The Battle of Panipat. The Nirmala, sorry. The Nirmal Shiksha. केंद्र अर्थात इंग्लिश जनरल इंग्लिश द जनरल इंग्लिश बुक जनरल इंग्लिश बुक कटन इंग्लिश इनके रिव्यू में यहां पे कर देंगे। नेक्स्ट आपको लिखता हूं मैं यहां पे टाइटल हेडिंग फिर बोलते आपको आप क्लेवर मंकी क्लेवर मंकी बहुत सारा है यहां देखो आप लोग की जो पद्म भूषण पी किस में लिखो आप लोग कैप्टन में लिखो पद्म भूषण पी पी किस में लिखो कैप्टन में क्यों क्योंकि ये उपाध्यक्ष का नाम है बीजेपी यानी कि राजनीति दल का नाम है कैप्टन में लिखे होते तो समाचार पत्र नाम द हिंदू ये चीज से लिखे हो या चाह कैप्टन में लिखे हो क्यों क्योंकि ये समाचार पत्र का नाम है क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या किस में लिखे हो कैप्टन में लिखे हो क्यों ये ऐतिहासिक घटना है उससे बुक का नाम द इंग्लिश द जनरल इंग्लिश बुक तो जी किस में है कैप्टन में जी किस में है कैप्टन में बुक जी किस में है इसमें कैप्टन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं next
डिक्शनरी में आपको है कि अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, देख सकते हो आपको रूल में। जब फॉर्म और भरते हो गए तो आपको आता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह आता है। तो इन सबको लिखने के लिए आपको हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना चाहिए। अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट मिडिल एवं लास्ट नेम को का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको यहां पे, रविंद्र जैन एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट थे, रविंद्र जैन, इस तरह से आपको सुरेश फर्स्ट नेम, चंद्रा गुप्ता, ऐसे आपको बाकी कैप्टन रहेगा, फर्स्ट कैप्टन रहेगा, सी कैप्टन रहेगा, जी कैप्टन रहेगा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट आता है आपका कि व्यक्ति के नाम के पहले लगने वाला टाइटल का पहला अक्षर कैप्टल होता है, सर, मैडम, डॉक्टर, लिटरेचर, प्रोफेसर, सब क्या लगाते हो, सब क्या है, टाइटल है। तो ये जो होते हैं पहला अक्षर उनका कैप्टल होता है। रोल नंबर 11, व्यक्ति के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। एग्जाम्पल मिस्टर, मिसेस, और क्या लिखते आपको जी, मिस, मैडम, सर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लिटरेचर, इसे लिखते ना आपको जी, यानी जो पहला आपको ए लाया है यहाँ पे वो कैप्टन में आया, पी कैप्टन में, डी कैप्टन में, एस कैप्टन में, तो इस तरह से आपको लिखा जाता है। नेक्स्ट लाया आपको जब वाक्य में फादर, अंकल, आंट का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग होता है तो इनके पहले जो आते हैं मां, मतलब कि माई, हिज, हर, दे आर, योर, आप, द, इनका प्रयोग नहीं होता है इनके साथ। कब? जब अंकल, आंट, मदर, सब किस तरह यूज हो, प्रॉपर नाम की तरह। जब ये सब नहीं आते हैं तो इनका पहला अक्षर इसमें लिखा रहता है जी,
कैप्टन अटल लिखा जाता है। एनी फादर मदर अंकल आंट प्रॉपर नाम की तरह हो Father was happy but mother was sad. Father was happy but mother was sad. यहाँ देखो father या और यह किसे लिखा तो capital में लिखा है क्यों? क्योंकि ये proper noun तरह जो है एक मोटा पुलिस ले जाऊँगा इनके साथ यदि इनके साथ माई हर हिज योर किसी आज आए तो इनका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल आपको देखो इसे ले सकते हो आप एग्जाम्पल मिस्टर गुप्ता इंग्लिश वर्ड में जब हम लोग का कैपिटल यूज करेंगे सारे के सारे मतलब पढ़ लिए हैं और यहाँ से आपकी कैपिटल का यूज है खत्म होता है।